मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के मित्तल ग्राउंड में लगे ईद मेले में मुंब्रा के चरनी पाड़ा के रहने वाले जफर जमीर शेख 17 वर्षीय लड़के पर करीब 7 से 8 लड़कों ने जानलेवा हमला किया है, जिसमें जफर गंभीर रूप से घायल हुआ है। हमले में जफर के सर में करीब 8 से 10 टाके लगे हैं, वहीं पीठ पर करीब 16 टाके लगे हैं। ये पूरा मामला कल रात करीब 9 बजे के रात में मेले में हुआ है। जफर ने बताया कि मेले में चाय पीते वक्त एक दूसरे से धक्का लग गया और चाय एक लड़के के पैर पर गिर गई, जिसके बाद जफर के अनुसार करीब 7 से 8 लड़कों ने जफर पर हमला कर दिया। जफर पर हथियार से सर पे वार किया गया और पीठ पे भी वार किया गया। घायल अवस्था में जफर को कलवा छत्रपति शिवाजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका इलाज शुरू किया गया और आज सुबह में उसे डिस्चार्ज भी कर दिया गया। वहीं इस पूरे मामले में मुंब्रा पुलिस ने जफर के बयान के आधार पर हमलावरों की धरपकड़ शुरू कर दी है, जिसमें कुछ लड़कों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। इस खबर को हम कवर कर रहे थे और इसका FIR होने का प्रोसेस भी जारी था। वहीं जफर के परिवार के तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि मेला अगर लगवाया जाता है तो उसमें सुरक्षा के इंतज़ाम यानी कि सिक्योरिटी गार्ड भी होना चाहिए। बहरहाल जिस तरह से जफर पर ये हथियारों से हमला हुआ, जफर ने इस हमले को लेकर क्या कुछ जानकारी दी है और जफर के परिवार वालों ने भी मेले के सुरक्षा को लेकर भी क्या कुछ कहा है, आपको सुना दें। भाई क्या नाम है आपका? पेट पे गुम जफर। क्या नाम है आपका? जफर। कहाँ रहते हैं आप? चन्नी पाड़ा। कैसे ये वार हुआ, किसने मारा और क्यों, क्या वजह? ये हम लोग मेले में गए थे तो उधर पे ना 2 लोग खड़े थे हमने के पीछे और एक मेरा दोस्त चाय पी रहा था, उसकी चाय गिर गई ना तो उसने उसको मारा और चले गया, दूसरे लोग से झगड़ा करा तो उन लोग गए छुरी लेके आए, उन लोग भाग गए जिसने मारा था तो हम लोग को पकड़ के मारे। अच्छा, मतलब लफड़ा किसी और से हुआ था और मार दिए तो कौन लोग मारे, आप नाम हम कुछ मालूम हो लोगों का? नहीं, लोग के नाम चीना का नाम मालूम है बस, और चीना के साथ में बहुत लोग थे। कितने लोग रहे होंगे? 8-10 लोग। नहीं, 25-30 लोग थे। 25-30 लोग। कितने बजे हुआ ये? 9 बजे रात में। मेले के गेट पे हुआ था या अंदर? अंदर हुआ था। क्या क्या चीज से वार किए आपके ऊपर? छुरी से। छुरी से। सबके पास सामान था? फटाफट बोलना जो पीठ पे भी लगाए। पीठ पे भी लगाए? हाँ, देखो ना सर, 16 टाके आए थे इधर ही। 16 टाके इस तरह 8 टाके और सर पे कितने टाके? सर पे 2-8 अंदर से भी है। अच्छा, यानी पीठ पे भी टाके है, सर पे भी टाके। FIR वगैरह कुछ अभी हुआ है? पुलिस में कुछ कंप्लेन वगैरह हुई? हाँ, कंप्लेन हो गई ना पुलिस की। अभी तक कितने लोगों को? अभी तक हम लोग ने कम से कम 4 से 5 जन को जमा करे। अच्छा, जो लड़के नाम बताया जिसका, उसको भी लेके आ गए? वो अभी चाकू ढूंढने के लिए लेके गए। ले, क्या नाम बताया? चीना करके नाम है। कहाँ रहते हैं वो? क्रशित कम्पाउंड में रहते हैं इन लोग। हाँ, पूरे कसाई लोग हैं इन लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शौकत इस्माइल सैयद। ये क्या लगते हैं आपके रिश्ते वाले? ये हमारे दोस्त के, हमारे भाई के बच्चे हैं, हमारा भतीजा है। ये मेले में घूमने के लिए गए थे, मेले में घूमते घूमते कुछ चाय पीने के ऊपर से धक्का लग गया और वो बाजू वाले के पैर पे चाय गिर गई तो वो लोग ने इसको पकड़ के मारे। अच्छा, ये जो झगड़ा हुआ, ये झगड़ा हुआ मेले के अंदर। आज ये मुंब्रा के अंदर इतने बड़े बड़े मेले रिस्पॉन्स कर रहे, जो भी ये मेले लगा रहे, उनसे मेरा कहना है कि भाई अगर तुम मेला यहाँ पे लगा रहे हो, फेस्टिवल वगैरह जो भी मेला फेस्टिवल रमज़ान का, तो उसके लिए उतना बंदोबस्त भी करो ना। ये हर रोज़ इधर पे माराम काटी, एक बच्चे को पकड़ के 15-15 जन मार रहे और ये तुम्हारे मेले में हो रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन? अगर तुम्हारे से ये जिम्मेदारी नहीं होती है तो ये मेला मत रिस्पॉन्ड करो, आप मत लगाओ मेला, किसी के बच्चे के खून के साथ में होली मत खेलो। ये मेले लगाने वालों को मेरा संदेश है, अगर तुम्हारे से नहीं कंट्रोल होता है तो ये मेले मत लगाओ और बंद करो ये सब तमाशे। तो ये दूसरे बच्चे जो ऐसे इनके साथ में ये तमाशा तो नहीं, ये बच्चों का तो ऐसा खून तो नहीं बहेगा? ये मेले क्या तुमने खून बहाने के लिए लगाए है कि लोगों का दिल बहलाने के लिए? अगर तुमको मेला चलाना है तो पूरी जिम्मेदारी लो, वहाँ पे सुरक्षा दो। नहीं तुम्हारे से, तुम्हारे बॉडीगार्ड है तो पुलिस से सुरक्षा लो तुम, नहीं तो ये तुम्हारे मेले या तुम्हारे खेल बंद करो सभी।